जोधपुर में नवोदय विद्यालय के 17 छात्र छात्राएं कोरोना संक्रमित। टीकाकरण से पहले जांच में रिपोर्ट आई पॉजिटिव। आरटीपीसीआर जांच के लिए भेजा गया सैंपल। सीतामढ़ी में पत्नी की धारदार हथियार से की हत्या, गिरफ्तार। मृतका के पिता का आरोप, अवैध संबंध का विरोध करने पर दामाद ने बेटी को मार डाला। कोरोना पर सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, कोविड से मरने वालों के परिजनों को मिलेंगे 4 लाख रुपए। कैबिनेट बैठक में 6 एजेंटों पर लगी मोहर। गंगा में डुबकी से बिहार के पापियों का नाश होगा, तेज प्रताप ने हरिद्वार में किया गंगा स्नान। हर की पौड़ी में बिहार के लिए प्रार्थना की। कैबिनेट से पहले दोनों डिप्टी सीएम समेत 4 मंत्री पॉजिटिव। मद निषेध मंत्री सुनील कुमार कल सीएम के समाज सुधार अभियान में हुए थे शामिल। तेजस्वी राजश्री के लिए मुसीबत बना कोरोना, संक्रमण बढ़ने से हनीमून पर नहीं जा सकेंगे। बेरोजगारी यात्रा को भी फरवरी तक टाला। मां बनने से पहले गर्भवती कांस्टेबल की मांग सुनी। भोजपुर में बैंक कर्मी के लुटेरों ने गोली मारकर हत्या की, 1 साल पहले हुई थी शादी। सिमोल तला विद्यालय की मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, 20 जनवरी को 2 पालियों में होगा एग्जाम। गणित से 100 नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे। यूजी पार्ट 2 का रिजल्ट गुरुवार को होगा जारी। आर्ट्स में 40,000 स्टूडेंट्स को परिणाम का इंतजार, अपने विभाग में जाकर देखें रिजल्ट। अप्रैल तक चालू होगी ERSS, 112 नंबर पर कॉल आते ही कंप्यूटर में अपने आप होगा केस रजिस्टर्ड। 23 मार्च तक मिल जाएगी 400 गाड़ियां। नालंदा में कोवैक्सीन की जगह दे दिया कोविशील्ड। दोनों भाइयों को हो रही हल्की बुखार व बदन दर्द की शिकायत, चिंता में बीती माता पिता की रात। एक जगह 20 कोरोना पॉजिटिव मिलने पर बनेगा कंटेनमेंट जोन, 300 मीटर के दायरे में होगी जांच। होम आइसोलेशन वाले मरीजों पर रखी जाएगी नजर। बिहार में 30% लोग चाहते हैं लॉकडाउन, 57% लोगों ने कहा सीएम को सभी कार्यक्रम करना चाहिए रद्द, 13% बोले अभी और इंतजार कीजिए। साधु को भांजे की सलाह, तेजस्वी सीएम का सपना छोड़े। लालू के साले बोले सीएम के बच्चे कभी बिहार में सीएम नहीं बने। पॉजिटिव होने के बावजूद अस्पताल में घूमते दिखा हेल्थ वर्कर। नवादा सदर अस्पताल में संक्रमित होने के बावजूद कर रहा था काम, प्रबंधन ने कहा लापरवाही है।